हेलो एवरीवन, आज के इस नाड़ो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने असाइनमेंट 3 जारी कर दिया कक्षा 10वीं का। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा विषय हिंदी का सभी प्रश्नों का मैंने हल कर दिया है। बस आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है जिससे आपके असाइनमेंट अच्छे से बन सके। तो ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न हम लिखा कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखिए। तो फ्रेंड, इसमें 3 कारण आपको लिखना है। तो ये देख लीजिए, पहला कारण ये पहला दिख रहा है, दूसरा भी दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे हेडिंग बना के लिखिए, जैसे मैंने लिखा 1 और 2। ये रहा तीसरा, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग बना के लिखिए ताकि आपके असाइनमेंट अच्छे से लगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग का पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है और सभी का आंसर मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है। तो सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। दोस्तों, ये रहा हम लोग का दूसरा प्रश्न गृह प्रवेश कविता में अतिथि और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है, कोई 3 समानताएं लिखिए। तो फ्रेंड, इसमें आपको 3 समानताएं लिखना है जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड, हम लोग का दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ये रहा हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि नाच विविधा को संक्षेप में समझाइए। इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 4 अंक मिलेगा। तो अच्छे से लिखिए ताकि आपको 4 अंक मिल सके। दोस्तों, हम लोग का तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हम लोग का चौथा प्रश्न लिखा कि सुवा गीत और पंथी नृत्य की विशेषता लिखिए व उनके 2-2 गायकों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड, इसमें आपको पंथी गीत और सुवा गीत में हमको विशेषता बताना है। इसका भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको हेडिंग बना के लिखना है ताकि नंबर आपको अच्छे से मिल सके और आपका असाइनमेंट अच्छे से दिख सके। इसमें आपको 2-2 अंक मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने प्रश्न और आंसर को एक साथ मर्ज कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देख लीजिए, पहला लिखा सुवा गीत की विशेषता, सुवा गीत में महिला बांस की टोकरी, तो आपको इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा में भी लिख दिया मैं पंथी गीत की विशेषता, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चौथा प्रश्न का भी आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हम लोग का पांचवा प्रश्न जो कि लास्ट है। प्रश्न में लिखा कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। फ्रेंड, यहाँ पे 3 आपको निबंध लिखना है, 3 दिया है। पहला है कोरोना वायरस एवं महामारी, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व। तो आपको एक ही लिखना है इसमें, जिसमें आपको 6 अंक मिलने वाला है। दोस्तों, आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी एवं अनुशासन, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और देख लीजिए, यहाँ पे मैंने हेडिंग बना के लिखा है 1, 2, 3 ऐसे करके आपके असाइनमेंट में बना लीजिए। ये भी अनुशासन का है। दोस्तों, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि देखिए, यहाँ पे आपको 150 से 200 वर्ड लिखना है, इसलिए दोस्तों इसका प्रश्न जो उत्तर है वो लंबा है, तो इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी है पांचवे प्रश्न का आंसर, इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, ये भी रहा पांचवे प्रश्न का आंसर, इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से। ये भी पांचवे का आंसर है, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके असाइनमेंट में अच्छे से लिखिए, अच्छे राइटिंग में। फ्रेंड्स, ये भी पांचवे का आंसर है, इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखिए आपके असाइनमेंट में ताकि आपको नंबर अच्छे से मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग का जो हिंदी असाइनमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी प्रकार के डाउट है, कमेंट है, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर हमको कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका PDF चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड, अभी इसी प्रकार के असाइनमेंट वाला वीडियो बनने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।